बॉस सीजन 15 के घर में, जहां की वीकेंड के वार पर हमने देखा था कि किस तरह से विशाल कोटियान ने तेजस्वी प्रकाश को उनके रिलेशन के बारे में फेक कहते नजर आए हैं। जी हां, विशाल कोटियान ने तेजस्वी को कहा था कि आप घर में फेक रिलेशन बनाते हैं। वह इस बात पर तेजस्वी और साथ ही साथ करण कुद्रा के बीच में क्या कुछ झगड़ा हो चुका है लाइफी के दौरान, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 के घर में जहाँ की तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा बीच रात में बातचीत कर रहे थे, और इस बातचीत के दौरान आपको बता दूं कि करण कुंद्रा तेजस्वी से यही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार विशाल ने जब तुम्हें ये बोला कि तुम फेक रिलेशंस बनाती हो तो तुमने विशाल को कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया। वेल, इस बात पर तेजू कहती है कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके बातों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। लेकिन करण कुंद्रा का यही कहना था कि आखिरकार अगर आप फेक रिलेशन नहीं बनाती हैं तो आपको इस बात पर जवाब देना चाहिए था, क्योंकि आपको भी लोगों के सामने ऐसा लगेगा कि आप सच में विशाल कोटियान जो कह रहा है, अगर आप उस पर कुछ भी स्टैंड नहीं ले रही हैं तो मतलब आपके बारे में सच कहा जा रहा है। वेल, इसके बाद ये हुआ कि तेजस्वी तो नहीं मानी करण की बात, लेकिन करण ने भी तेजस्वी को कहा कि तुम यहाँ पर बहुत ही इमैच्योर जैसा बात कर रही हो, मुझे ये बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ करण ने ये भी कहा कि अभी विशाल तुम्हारा फ्रेंड है तो इसलिए विशाल को तुमने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अगर यही शब्द और यही सेंटेंस अगर तुम्हें उमर ने बोला होता, प्रतीक ने बोला होता, निशान ने बोला होता तो तुम उन पर भड़कती क्या, फट जाते बिल्कुल। वेल, इस बात पर तेजस्वी नाराज होते नजर आई करण कुंद्रा से, लेकिन करण कुंद्रा भी इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज होते आए। वेल, अब जो चीज़ें हैं वो इस बिग बॉस सीजन 15 के इस वीकेंड के वार के बाद करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। अब क्या होगा आगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आखिरकार आपको इनकी बातों से क्या कुछ लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।